Hello guys, welcome to the Smart Learning Academy. My name is Viren Singh and in this video tutorial I am going to discuss about the DNA replication quick revision. इस वीडियो ट्यूटोरियल में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं क्विक रिवीजन ऑफ द डीएनए रिप्लिकेशन. ठीक है, तो डीएनए रिप्लिकेशन की बात करते हैं तो डीएनए रिप्लिकेशन में सबसे पहला जो पार्ट आता है दैट इज़ द ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन. कि ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन कैसा होता है, कि कहाँ से स्टार्ट होता है. सो प्रोकैरियोट में जो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन का नेचर होता है दैट इज़ द सिंगल. सिंगल मतलब मोनो रिप्लिकॉनिक होता है. मोनो रिप्लिकॉनिक का मतलब एक अगर आपके पास डीएनए स्ट्रैंड है, अगर डीएनए स्ट्रैंड जो जीनोमिक होता है प्रोकैरियोट का जनरली सर्कुलर होता है और आपको पता है कि जो जीनोम साइज प्रोकैरियोट का होता है वो होता है छोटा. ठीक है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा ओआरआई की ज़रूरत तो है नहीं, ज़्यादा ओरिजिन की ज़रूरत तो है नहीं, तो उस ओरिजिन को एक ओरिजिन से भी रिप्लिकेट कर जाता है प्रोकैरियोट के केस में. नाउ टॉकिंग अबाउट द यूकैरियोट्स, इसमें जो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होते हैं वो होते हैं मेनी ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन इज देयर. ठीक है, बहुत सारे ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होते हैं दैट इज लाइक क्योंकि जीनोम साइज जो यूकैरियोट में होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन की ज़रूरत पड़ती है. अगर ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन की बात करें तो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन का नेचर कैसा होता है, तो उसको बुलाया जाता है प्रोकैरियोट में ओआरआईसी के नाम से. ओआरआईसी के नाम से बुलाते हैं. ओआरआईसी जो होता है ये आपका कैसा होता है, दो यूनिट होते हैं ओआरआईसी के, एक 19 mer, mer का मतलब होता है यूनिट, एक 13 mer. ओआरआईसी जो बना होता है दो यूनिट का बना होता है, एक 9 mer और एक 13 mer. 9 mer पे एक कंपाउंड आपका बाइंड करता है जिसको बोलते हैं डीएनए ए. डीएनए ए आपके ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन को रिकॉग्नाइज करता है 9 mer यूनिट से बाइंड करके, ओआरआईसी को रिकॉग्नाइज करता है. और 13 mer यूनिट जो होता है दैट इज़ द ए टी रिच होता है, ताकि वहाँ से मेल्टिंग स्टार्ट हो सके, हेलिकेज जो होता है वो कट करके वहाँ से मेल्टिंग को स्टार्ट कर पाए. ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे जो ओआरआईसी होता है वो ये होता है आपका 13 mer यूनिट से मेल्टिंग स्टार्ट होता है, 9 mer यूनिट से रिकॉग्निशन होता है इस ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन का. अगर यूकैरियोट की बात करें तो यहाँ पे ओआरआईसी ना बोल के यहाँ पे बोला जाता है ऑटोनॉमस रिप्लिकेटिंग सिक्वेंस. ऑटोनॉमस रिप्लिकेटिंग सिक्वेंस बोला जाता है दैट इज़ द ए टी रिच. ये भी ए टी रिच होगा क्योंकि यहीं से आपका हेलिकेज जो आएगा वो डीएनए को ओपन करेगा. ठीक है, तो बात करते हैं एआरएस सिक्वेंस चार डोमेन का बना होता है, ए डोमेन, B1, B2 एंड B3. ए एंड B1 डोमेन जो होता है ये रिकॉग्निशन के लिए बना होता है. यहाँ से जो होता है वो रिकॉग्निशन होता है. ठीक है, ये रिकॉग्निशन के लिए बना होता है. और मेल्टिंग जो स्टार्ट होता है वो B2 डोमेन से होता है. जो मेल्टिंग हेलिकेज जहाँ से मेल्टिंग स्टार्ट करता है वो B2 डोमेन से स्टार्ट करता है. अब हेलिकेज मेल्टिंग स्टार्ट करता है, तो मेल्टिंग की बात करें तो हेलिकेज का काम क्या होगा, हेलिकेज का काम होता है दैट इज द DNA B. ठीक है, DNA B होता है प्रोकैरियोट के केस में. हेलिकेज का काम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना. जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड आता है उस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना होता है. हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पे होता है, डीएनए के डबल स्टैंडर्ड डीएनए में है. वो कैसे स्टेबलाइज होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से होते हैं. तो उन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हेलिकेज यूज़ किया जाता है, क्योंकि रिप्लिकेशन के लिए डीएनए पॉलीमरेज को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होना जरूरी होता है. तो हेलिकेज जो प्रोकैरियोट में होता है वो होता है डीएनए बी. उसके बाद बात करते हैं जो हेलिकेज यूकैरियोट में होता है वो होता है एमसीएम. ठीक है, एमसीएम हेलिकेज बोलते हैं. एमसीएम हेलिकेज जो होता है ये, इसके पास एटीपीएच एक्टिविटी नहीं होती. एटीपीएच एक्टिविटी जो होती है वो एमसीएम के पास नहीं होती, दैट इज़ नो एटीपीएच एक्टिविटी. लेकिन डीएनए के पास एटीपीएच एक्टिविटी होती है. मतलब डीएनए बी जो होता है, डीएनए बी जो जैसे हेलिकेज होता है वो एटीपीएच एक्टिविटी शो करके खुद ही कट कर सकता है. लेकिन एमसीएम को डिपेंड होना पड़ता है एटीपीएच एक्टिविटी के लिए एक पर्टिकुलर कंपाउंड पे. किस कंपाउंड पे वो हम अभी बात करेंगे. ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन की बात करें तो डीएनए हेलिक्स को ओपन किया. ओपन करने के बाद आपको सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन चाहिए. सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन करेगा आपको दोनों हेलिक्स को, जो हेलिक्स ओपन होने के बाद उनके रीवाइंडिंग को प्रिवेंट करता है. ठीक है, रीवाइंडिंग को प्रिवेंट करता है दैट इज SSB. आपको क्या चाहिए, SSB चाहिए. ये SSB क्या करेगा, रीवाइंडिंग को प्रिवेंट करेगा. और इसी SSB सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन जो यूकैरियोट में होता है उसको बोलते हैं रिप्लिकेशन प्रोटीन ए. उसको बोला जाता है रिप्लिकेशन प्रोटीन ए, जो कि यूकैरियोट में होता है आपका. ठीक है, प्राइमेज की बात करते हैं.
प्राइमेज की बात करें तो प्राइमेज कैसा होता है, प्राइमेज आपका होता है जो कि प्राइमर फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। प्राइमेज इसलिए चाहिए क्योंकि 3' OH चाहिए होता है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये आपका डीएनए जी होता है प्राइमर सिंथेसिस के लिए इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, बट इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स डीएनए पॉलीमरेज अल्फा इज यूज्ड फॉर द प्राइमर सिंथेसिस। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो होता है प्राइमर सिंथेसिस के लिए यूज होता है यूकैरियोट्स के केस में। जो मेन रिप्लिकेटिंग एंजाइम होता है उसको बोलते हैं रिप्लिकेस। द मेन रिप्लिकेटिंग एंजाइम इज द रिप्लिकेस। रिप्लिकेस का काम क्या है, रिप्लिकेस का काम है रिप्लिकेशन करना, डीएनए स्ट्रैंड को कॉपी बनाना। तो ये जो रिप्लिकेस होता है, रिप्लिकेस प्रोकैरियोट के केस में डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है, लेकिन यूकैरियोट के केस में ये होता है डीएनए पॉलीमरेज एप्साइलन एंड डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। एप्साइलन लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस के लिए होता है और डेल्टा जो होता है वो लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस के लिए होता है। टोपो आइसोमरेज की बात करें, टोपो आइसोमरेज जो होता है प्रोकैरियोट में वो होता है गायरेज 1 एंड गायरेज 2। ये जो होता है टोपो आइसोमरेज 2 का पार्ट होता है गायरेज 1 एंड गायरेज बी, जो कि प्रोकैरियोट में पाया जाता है। एंड यूकैरियोट में टोपो आइसोमरेज 1 एंड 2 होते हैं, दोनों होते हैं। प्रोसेसिविटी कंपोनेंट की बात करें, कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि डीएनए पॉलीमरेज को प्रोसेस कराता है, डीएनए स्ट्रैंड पे कौन ऐसा पॉलीमरेज है जो कि प्रोसेस कराएगा, दैट इज द बीटा क्लैंप। बीटा क्लैंप जो होता है वो प्रोसेसिविटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट। बीटा क्लैंप आपके किस पॉलीमरेज के पार्ट होते हैं, ये पॉलीमरेज थर्ड के पार्ट है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के पार्ट है। बीटा क्लैंप हो, गामा कॉम्प्लेक्स हो, प्रोसेसिविटी कंपोनेंट बीटा क्लैंप होता है किस में, प्रोकैरियोट में। बट इन द केस ऑफ यूकैरियोट ये होता है पीसीएनए। पीसीएनए का मतलब है कि ये प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन, जो कि आपका प्रोसेसिविटी कंपोनेंट है इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स। अब क्लैंप लोडर की बात करें, क्लैंप लोडर का मतलब इस प्रोसेसिविटी कंपोनेंट को लोड कौन करता है, बीटा क्लैंप को लोड कौन करता है, ठीक है, कौन लोड करता है, कौन उसको मूव कराएगा, तो वो होता है गामा कॉम्प्लेक्स इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। बट यूकैरियोट्स में आरएफसी होता है, रिप्लिकेशन फैक्टर सी होता है, जो कि आपकी क्लैंप लोडर में हेल्प करता है, ठीक है। इनके अलावा अगर आपसे मैं बात करूं, तो रिप्लिकेशन रेट, जो रिप्लिकेशन रेट की बात करते हैं, रिप्लिकेशन रेट क्या होता है, रिप्लिकेशन रेट अगर बात करूं किस में, प्रोकैरियोट के केस में रिप्लिकेशन रेट की बात करूं तो वो होता है दैट इज 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड। 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड होता है, यानी कि रिप्लिकेशन रेट जो होता है प्रोकैरियोट में हाई होता है और यूकैरियोट में 100 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड होता है। सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द डीएनए रिप्लिकेशन पार्ट वन। आपके डीएनए रिप्लिकेशन क्विक रिव्यूजन का पार्ट वन ये रहा। पार्ट टू डीएनए रिप्लिकेशन का क्विक रिव्यूजन मैं लेके आऊँगा, जस्ट आप उनको भी पार्ट टू जरूर देखिएगा, उसके आगे कैसे प्रोसेस को मूव करना है वो सारी चीज़ें बताऊँगा। तो एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं, रिप्लिकेशन ओरिजिन सिंगल होता है प्रोकैरियोट्स में, मेनी होता है यूकैरियोट्स में। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन ओआरआईसी होता है, मेल्टिंग 13 यूनिट से होगा। आपके यूकैरियोट्स में एआरएस सीक्वेंस होता है, मेल्टिंग आपके बी2 डोमेन से होगा। हेलिकेज डीएनए भी यूज होता है प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट में एमसीएम कॉम्प्लेक्स होता है, एसएस बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है सेस भी होता है प्रोकैरियोट्स में। रिप्लिकेशन प्रोटीन ए होता है यूकैरियोट्स में। प्राइमेज का काम करता है डीएनए जी, और यूकैरियोट्स में प्राइमेज का काम करता है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। रिप्लिकेस डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है आपके प्रोकैरियोट में। यूकैरियोट में पॉलीमरेज एप्सिलॉन एंड लाइक फॉर द लीडिंग स्ट्रैंड एंड डेल्टा फॉर द लैगिंग स्ट्रैंड। टोपो आइसोमरेज गायर 1 एंड गायर 2 होता है इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, एंड 1 एंड 2 होता है इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स। प्रोसेसिविटी कंपोनेंट की बात करें तो ये आपका बीटा क्लैंप होता है और पीसीएनए कॉम्प्लेक्स होता है यूकैरियोट में, एंड क्लैंप लोडर गामा कॉम्प्लेक्स होता है इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, एंड आरएफसी होता है रिप्लिकेशन फैक्टर सी इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स, एंड रिप्लिकेशन रेट इज हाई इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, एंड रिप्लिकेशन रेट इन द लो इज द लो इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स। सो दिस इज द डीएनए रिप्लिकेशन क्विक रिव्यूजन। वी विल डिस्कस द प्रोसेस एंड डीएनए पॉलीमरेजेस इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स इन द नेक्स्ट वीडियो। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको बता दें कि आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस पे। अनअकैडमी प्लस पे मैं लाइव पढ़ाता हूँ, तो आप अनअकैडमी प्लस पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे मुझे देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए अनअकैडमी प्लस पे फॉलो करिए और देखिए। अनअकैडमी प्लस पे मैं लाइव पढ़ाता हूँ और वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांस चीज़ेस होगा। तो आइए अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज़।